हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट। टुडे वी विल डिस्कस टाइम एंड वर्क। आज की क्लास के बाद टाइम एंड वर्क पे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। टाइम एंड वर्क पे दो क्लासेस लगाएंगे। आज की क्लास पहले सभी ने ध्यान से अटेंड करनी है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे आपने सोल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइम क्या है, यहाँ पे वर्क क्या है, ठीक है, क्या एफिशिएंसी होती है। तो थोड़ा सा पहले समझेंगे इसको। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है सभी ने। सबसे पहले देखिए, अगर मान लो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं एक दिन के अंदर 25 टाइप कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ क्या कि भाई एक दिन के अंदर मैं 25 पेजेस टाइप करती हूँ। ओके, एंड टोटल मुझे 100 पेजेस टाइप करने हैं। टोटल मुझे कितने पेजेस टाइप करने हैं? टोटल 100 पेजेस मुझे टाइप करने हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने दिन लगेंगे उनको टाइप करने के लिए, कितने दिन लगेंगे। ऑब्वियसली अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि मैम अगर एक दिन में आप 25 पेजेस टाइप करते हो तो 100 पेजेस 25 25 25 25 25 25, दैट मीन्स कि 4 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। मीन्स कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने हैं मेरे पास में टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट, 100 पेजेस है, एक दिन में कितने पेजेस टाइप कर रहे हैं हम, 25। ओके, दैट मीन्स कि कितने दिन लगे हमें, 4 डेज लगे। अब ये देखो, ये छोटा सा कंसेप्ट सभी को क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो पूरा टाइम एंड वर्क इस पे बेस्ड है। देखो, अब जहां पे मैं कह रही हूं कि एक दिन में हम कितना काम कर पा रहे हैं, यस, वर्क डन इन वन डे, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। तो ये वन डे वर्क है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके, क्या है, एफिशिएंसी है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि भाई टोटल इतने पेजेस टाइप करने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये, टोटल वर्क है। ओके, और ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज टू कंप्लीट द वर्क। सिंपल सी बात है। तो अभी यहां पे देखिए क्या बताया मैंने आपको कि एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन पर डे, यही बताया, वर्क डन पर डे। सिंपल सा पॉइंट है, लोग कंफ्यूज होते कि एफिशिएंसी में हमें कंफ्यूजन होती है, बट एफिशिएंसी से कंसेप्ट काफी इजी बन जाता है। ओके, तो यहां पे देखो एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन पर डे, एक दिन में मैं जितना काम कर रही हूं दैट इज वर्क डन पर डे, दैट इज माय एफिशिएंसी। ओके, अब दूसरी बात आती है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कैसे निकले हमारे पास में, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मींस कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ओके, अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, किसी पर्सन की अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो एफिशिएंसी मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, यस, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यस, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। क्या आएगा आपके पास में, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। सो अगर कहीं पे भी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। बट अगर टोटल वर्क ही गिवन नहीं है फिर क्या करेंगे, एंड दैट इज मस्ट फॉर एवरी क्वेश्चन, है ना। तो टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इनटू एफिशिएंसी। ओके, अगर हमारे पास किसी भी एक सिंगल पर्सन के नंबर ऑफ डेज गिवन है और उसकी एफिशिएंसी गिवन है, देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क, की टोटल कितना काम है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सा है। अब हम बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी ने ध्यान से समझना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट लगे कि नहीं हो पा रहा तो उसको एक बार अच्छे से करेंगे, दोबारा से समझेंगे। ओके, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी, क्लियर। अगर वीडियो के अंदर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, डन। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, रवि एंड कुमार,
रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। देन रवि टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस। रवि को कितना टाइम लग रहा है उसके अंदर क्या कह रहा है कि 6 hours लग रहे हैं कितने पेजेस टाइप करने में, 32 पेजेस टाइप करने के अंदर। ओके, वाइल कुमार टेक्स 5 hours टू टेक टू टाइप 40 पेजेस। कुमार को कितना टाइम लग रहा है 40 पेजेस को टाइप करने में, 5 hours लग रहे हैं। देन हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टूगेदर टू ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप 101 पेजेस। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के क्या क्या मुझे मिल रहा है। क्या हम रवि की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कुमार की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी है तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, टुगेदर, दैट मीन्स कि दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएंगी। एंड वी हैव टोटल वर्क आल्सो, टोटल वर्क कितना है 110 पेजेस टाइप करने। ओके, तो देखिए क्या कहेंगे हम, रवि की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी है 32 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस कितना आ गया ये हमारे पास में 16/3 पेजेस पर आर। क्लियर। उसके बाद में बात कर रहे हैं हम किसकी, कुमार की। कुमार की एफिशिएंसी कितनी है, कुमार ने कितने पेजेस टाइप करे 40, कितनी देर में 5 hours में, दैट मीन्स 8 पेजेस पर आर। कितने पेजेस हो गए, 8 पेजेस पर आर। अगर हम देखें कि एक एक कंप्यूटर पे है, यस रवि इज ऑन दिस कंप्यूटर एंड कुमार इज वर्किंग हियर, बोथ आर टाइपिंग। अब एक घंटे के अंदर कितने पेजेस टाइप करेंगे, अगर हम दोनों को ऐड कर दें कि भाई इसने किया 16/3, इसने कितना किया 8, कितना हो गया आपके पास में, यस दिस इज 24 and 16 40/3। पॉइंट इज क्लियर कि एक घंटे के अंदर दोनों मिला के कितना कर रहे हैं, दैट मीन्स रवि प्लस कुमार की एफिशिएंसी कितनी है टोटल। हाँ जी, कितना है, दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज 40/3। अब दोनों की एफिशिएंसी मेरे पास है, टोटल वर्क मेरे पास है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मुझे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल वर्क कितना है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, हाँ जी टोटल कितना है 101 पेजेस करने हैं डिवाइडेड बाय 40/3। अगर ये 40/3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3/40 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 33/4। क्लियर। तो कितना आ गया ये आपके पास में, 8 hours तो पूरे हो गए, 8 is to 1/4, दैट मीन्स कि 8 hours तो हमारे पास में पूरे हैं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यस 8 is to 1/4 आ गया, यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करती हूँ 8 is to 1/4 की, मीन्स वाट कि 8 hours तो हमारे पास में पूरे हैं, और 1/4 hour क्या कहेंगे, मीन्स एक घंटे का फोर्थ पार्ट, ठीक है। इन 1 hour वी हैव 60 minutes, 60 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ कितना आ गया आपके पास में, यस कितना आ गया हमारे पास 15, कितना आ गया 15 minutes। तो 8 is to 1/4 hour इज इक्वल टू वट, 8 hours and 15 minutes। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वांट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनको ये लगता है कि हमारा बेस नहीं है, अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे करें। तो अब आप देखो कितना इजीली कर पाओगे, थोड़ा सा समझना है बस। सो आई होप सभी को क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या चाहिए मुझे, कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो उसके लिए मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए,
यस, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टोटल वर्क पता होना चाहिए, एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए और उसके बेस पे हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं. इफ वी हैव नंबर ऑफ डेज एंड एफिशिएंसी देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क. ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन. ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज. ए है वो रेलवे ट्रैक को लिए कितना टाइम लगा रहा है, 16 डेज लगा रहा है. उसको कितना टाइम लग रहा है, 16 डेज का टाइम लग रहा है. वहीं पे जो बी है, बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज. ओके, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली. अगर उन्होंने सी की हेल्प ले ली, दैट मींस कि अभी कौन कौन वर्क कर रहे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो कितना टाइम लग रहा है उनको, 4 डेज. क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, सी कितने टाइम में उसको खत्म कर पाएगा. अब बात यहां पे क्या है कि मुझे टोटल वर्क का नहीं पता, सो आई हैव टू फाइंड आउट टोटल वर्क. ओके, सो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, यू विल टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो उससे हम कहेंगे कि टोटल वर्क इतनी यूनिट है. ओके, सो अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क की बात करें, देन वी विल टेक एलसीएम ऑफ 16, 12 एंड 4, दिस इज 48. दैट मींस कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास में, 48 यूनिट्स हैं. क्लियर? अब बात आती है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट मींस कि 3. बी की एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितना भी गिवन है डेज से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 12. क्लियर? सभी की एफिशिएंसी मिल गई. अब बात आ रही है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो अगर मैं यहां पे सी की एफिशिएंसी की बात करूं, तो अगर मैं ए बी सी इसमें से ए और बी को माइनस कर देती हूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा. दैट मींस इस 12 के अंदर से हम ए को भी माइनस कर दे, बी को भी माइनस कर दे, कितना बच गया, 5. दैट मींस कि अगर मैं नंबर ऑफ डेज देखूं कि ए को कितने लगेंगे, हाँ जी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन, टोटल वर्क इज 48 एंड एफिशिएंसी इज 5. 5 9 इज 45. नाइन इज टू 3/5 डेज. ओके, एंड दिस इज ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. यस, सी सेट के अंदर से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है और इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है. अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन. अतुल, बंटी एंड चिराग कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज. देयर आर 3 पर्सन, वन इज अतुल, सेकंड इज बंटी एंड थर्ड वन इज चिराग रेस्पेक्टिवली. दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्क. अतुल क्विट, दो दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया बट आफ्टर 2 डेज अतुल चला गया. एंड देन 3 डेज आफ्टर अतुल बंटी क्विट्स, फिर बंटी भी चला गया 3 दिन के बाद में. इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश, टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा, गुड क्वेश्चन. अब अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, और अगर नहीं आता देन दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया, इफ वी हैव नंबर ऑफ डेज, ओके, देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क, एंड इफ वी विल गेट द टोटल वर्क इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी. सिंपल सी बात है. तो अभी यहां पे देखो, देर आर 3 पर्सन, वन इज अतुल, बंटी एंड चिराग. डन? अतुल 20 डेज, 25 डेज एंड ही इज 30 डेज. सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे. टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20, 25 एंड 30, तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 300. दैट मींस व्हाट, कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास,
300 units of work is there. Now we can find out the efficiency of Atul. Atul एक दिन में 25 unit work कर रहा है, तो 300 units कितने दिनों में करेगा, मतलब sorry एक दिन में कितना करेगा, total उसको कितना time लग रहा है, 20 days ले रहा है वो, 20 days के अंदर 300 units complete कर रहा है. That means कि एक दिन में कितनी units खत्म करेगा, that means 300 divided by 20, so 15. Here it is. ओके 12 एंड चिराग विल 30. सो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास तीनों की. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, खासकर सी सेट के एग्जाम के अंदर उलझाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बना देते हैं ना. तो अभी यहाँ पे भी क्या कहा उसने कि दे स्टार्टेड वर्क टूगेदर. टूगेदर दैट मीन्स कि अतुल, बंटी एंड चिराग तीनों ने मिलकर काम किया. कितने दिन तक? टू डेज. क्योंकि आफ्टर टू डेज अतुल गया ना, तो उससे पहले तो दो दिन तक सबने मिल के काम किया. दैट मीन्स कि ए बी एंड सी टू डेज में कितना वर्क करेंगे? यस 15 ए करे अतुल करेगा, बंटी विल डू 12 यूनिट्स एंड चिराग विल डू 10 यूनिट्स. टोटल 37 यूनिट ऑफ वर्क हो गया वन डे के अंदर. सो टू डेज के अंदर कितना हो गया? 2 × 37 यूनिट्स. दैट मीन्स दिस इज 74 यूनिट्स. देन कौन चला गया? अतुल चला गया. अब कौन कौन है? यस बंटी एंड चिराग. अब क्या कहा है कि अतुल क्विट्स एंड 3 days आफ्टर अतुल बंटी क्विट. दैट मीन्स कि थ्री डेज बंटी एंड चिराग विल वर्क. ओके सो बंटी एंड चिराग इन 3 days कितना काम करेंगे? 3 × एफिशिएंसी ऑफ बंटी एंड चिराग, एंड एफिशिएंसी इज 12 + 10, दैट मीन्स 22. सो 22 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 66. अब टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क डन यस दिस इज 140. रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 300 यूनिट्स एंड 140 यूनिट्स हैज बीन डन. ओके दैट मींस कि रिमेनिंग वर्क इज 300 माइनस 140, दैट मीन्स 160 यूनिट्स. एंड नाउ दिस 160 यूनिट इज डन बाय चिराग. सो चिराग विल टेक हाउ मेनी डेज? चिराग कितना दिन लेगा? यस चिराग करेगा. यस अब देखिए चिराग की एफिशिएंसी कितनी है. अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, दिस इज 10. रिमेनिंग वर्क कितना है? 160 यूनिट्स. दैट मीन्स कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 160 × 10, दैट मीन्स 16 डेज. ओके एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? अब यहीं पे आपके पास ऐसे भी हो सकता था, हाउ मेनी डेज विल टेक चिराग टू कंप्लीट द वर्क, देन योर आंसर विल बी 16 डेज. बट द क्वेश्चन इज व्हाट? इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड. टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा? कितने दिनों में खत्म होगा टोटल वर्क? यस देर आर 2 days here, 3 days here and 16 days here. So total time कितना लगा? 16 + 5, that means 21 days. So your answer will be 21 days. 21 days will be the correct answer. Okay? Yes. So let us move to the next one. Yes. Before next question, और भी अच्छे अच्छे questions हम discuss करेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि अभी पीडिया आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है फॉर सी सेट. ओके जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द कोर्स नाउ. ओके अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये कि मुझे पहले ट्रायल लेके देखना है, वैसे तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ क्वांट लॉजिकल रीजनिंग मैंने कराया वहाँ पे. इफ़ यू थिंक कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन यू कैन ईजिली गो फॉर दैट कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके सो दिस कोर्स इज अवेलेबल फ्रॉम 20th June से कोर्स स्टार्ट हो चुका है. लाइव क्लासेज आर देयर. वी हैव 4 क्लासेज इन ए वीक, दैट इज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. द क्लास इज ऑफ 75 मिनट्स. ओके अब उसके अंदर हम आप लोगों को क्वांट लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे. मेन फोकस इज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. ओके
जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ क्वांट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो बिना कुछ सोचे समझे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन थिंग इज कि आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाए, यू हैव टू गो फॉर दैट इंस्ट्रक्शन एंड देन यू कैन ईजिली क्रैक योर एग्जाम ऑफ सी सेट। सी सेट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। जब तक आपके पास का सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक जी एस का कोई फायदा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जी एस करो, जी एस सभी स्टूडेंट्स कर रहे, बट यू शुड डिवोट 1 आवर, मिनिमम 1 आवर डेली टू सी सेट। ओके, सो अभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, 3 डेज फ्री ट्रायल अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। एंड इन फ्री ट्रायल यू कैन चेक ऑल द शेड्यूल एंड द क्लासेस। ओके, एंड विद ईच लेक्चर, विद ईच वीडियो लेक्चर्स, माइक्रो कोर्सेज आर अवेलेबल, वीडियो लेक्चर्स, माइक्रो टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल। ओके, हर एक लेक्चर के साथ में क्लास की PDF अवेलेबल है, आपके पास में वेब नोट्स अवेलेबल है, एंड देयर इज ए माइक्रो टेस्ट अटैच विद ऑल द लेक्चर, सो दैट कि आफ्टर टेकिंग द क्लास यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू डू द क्विज देन आपको रियलिटी में पता चलता है कि कितना मुझे समझ आया है। ओके, एंड देयर आर स्पेशल डाउट सेशंस ऑल्सो। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल आप कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्यूरी, then there is a number given in the description, you can dial on that number. Okay, so let us move to the next one, next question kare. Okay, yes, there is a next question. Kya hai Arun Bharat and Chetan, Arun Bharat and Chetan do a piece of work in 20 30 and 60 days respectively, in how many days Arun do the work if he assisted by Bharat and Chetan on every third day? Yes, good question. There are 3 persons, Arun, Bharat and Chetan. अब बात यह है कि जो अरुण है फर्स्ट डे अकेला काम कर रहा है, ठीक है, सेकेंड डे भी अकेला काम करेगा, बट ऑन थर्ड डे भारत एंड चेतन बोथ असिस्ट हिम, दोनों के दोनों आके उसकी हेल्प कर रहे हैं काम करने के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कितने दिन लगेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। एंड वी ऑल्सो हैव नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अरुण, भारत एंड चेतन। अब देखो, जब आपके पास में नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ डेज आपके पास में गिवन है अरुण के, भारत के, एंड थर्ड पर्सन इज हु, चेतन, यस ही इज चेतन, दिस इज 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कोई भी क्वेश्चन करो कि टोटल वर्क फाइंड आउट करना है आपने। जब टोटल वर्क हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, LCM ले लेंगे, यस LCM लेंगे, एंड LCM विल बी 60, सो एफिशिएंसी ऑफ अरुण इज 60 डिवाइडेड बाय 20, दैट मींस 3, 60 डिवाइडेड बाय 30 2, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ भारत, एंड 60 डिवाइडेड बाय 60, दैट मींस 1, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ चेतन। नाउ हाउ, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट डेज की बात करें, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है और थर्ड डे है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे, यही कह रहा है कि थर्ड डे पे भारत और चेतन दोनों उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे पे अरुण कितना वर्क करेगा, अरुण की एफिशिएंसी है 3, दैट मींस कि इन वन डे ही डू 3 यूनिट्स, सो फर्स्ट डे 3 यूनिट्स। अब सेकंड डे अगेन ओनली अरुण इज वर्किंग, दैट मींस 3 यूनिट्स, एंड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे अरुण के साथ में हेल्प कौन करा रहा है, भारत एंड चेतन, दैट मींस कि टोटल कितना वर्क हो रहा है थर्ड डे, 6 यूनिट वर्क हो रहा है, क्लियर। तो कितना हो गया थर्ड डे, 6 यूनिट, दैट मींस इन 3 डेज, इन 3 डेज 12 यूनिट्स ऑफ वर्क इज, 12 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में हो रहा है, इन 3 डेज, एंड टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिनों में होगा, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क, यस दिस इज 5 टाइम्स, सो दिस इज अगेन 5 टाइम्स, कितना हो गया, इट विल टेक 15 डेज, सो आंसर विल बी 15 डेज, आंसर इज 15 डेज, क्लियर। अब एक बार कंसेप्ट समझ आ गया कि हाँ जी मुझे टोटल वर्क एफिशिएंसी पे कैसे काम करना है, उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप कर लोगे,
अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि हाँ क्या कर रहे हैं हम, एफिशिएंसी ले रहे हैं, उसके बाद में अगर यहीं पे क्वेश्चन होता आपके पास में कि फर्स्ट डे भारत हेल्प कर रहा है, सेकंड डे चेतन हेल्प कर रहा है, तो भी कर लेते। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन होता कि अरुण फर्स्ट डे अरुण अकेला काम कर रहा है, सेकेंड डे भारत हेल्प कर रहा है उसकी, एंड थर्ड डे चेतन हेल्प कर रहा है, देन हाउ मैनी डेज रिक्वायर्ड। कर लेंगे सभी इस तरह से। इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पे कि भाई फर्स्ट डे सिर्फ अरुण ने काम किया, सेकेंड डे भारत और चेतन ने काम किया, थर्ड डे अरुण ने काम किया, कुछ भी इस तरह से। मीन्स अगर कोई भी इस तरह से सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आप सभी कर लेंगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अमन भव्य कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। यस, अभी सिंगल सिंगल पर्सन का नंबर ऑफ डेज गिवन था, अभी आपके पास में मल्टीपल पर्सन है। क्या है अमन एंड भव्य? अमन एंड भव्य कैन डू द वर्क इन 18 डेज। भव्य एंड चारु कैन डू द वर्क इन 24 डेज। सेकेंड कौन है? भव्य एंड चारु 24 डेज। एंड अमन एंड चारु इन 36 डेज। ओके, देन इन हाउ मैनी डेज चारु विल कंप्लीट द सेम वर्क अलोन? चारु अकेली उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी? दिस इज द क्वेश्चन। सो ट्राई करेंगे सभी। सबसे पहले क्या करना है हमने कि टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल वर्क देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा। वी विल टेक द एलसीएम। क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? एलसीएम फाइंड आउट करना आता है सभी को, जल्दी से करिए। हाँ जी, कितना आ गया एलसीएम? बिल्कुल सिंपल है। देखो पूरा आपको डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं होती, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसके साथ कंपेयर कर लिया करो। अगर मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे क्या है? 36। अब 36 से दोनों डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, 36 to 72। अब 72 से देखो 18 भी डिविजिबल है, 24 भी, दैट मीन्स कि 72 विल बी द एलसीएम। ओके, सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 72 यूनिट्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी। अमन एंड भव्य दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 72 डिवाइडेड बाय 18, दैट मीन्स कि 4 यूनिट्स। भव्य प्लस चेतन, चेतन है कौन? है चारू है। भव्य प्लस चारू, भव्य और चारू की एफिशिएंसी कितनी है? दिस इज 24 डे एंड दिस इज 3, दैट मीन्स 72 डिवाइडेड बाय 24। एंड अमन एंड चारू की एफिशिएंसी कितनी है? 72 डिवाइडेड बाय 36, दैट मीन्स कि 2। क्लियर। अब अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो अमन इज 2 times, भव्य इज 2 times एंड चारु इज 2 times, दैट मीन्स यू कैन से कि 2 times ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अमन, भव्य एंड चारु इज इक्वल टू व्हाट? इन सभी की एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया? 7 plus 2, दैट मीन्स कि 9 by 2। सभी की कितनी है? 9 by 2 है। क्लियर, एफिशिएंसी। अब अगर मान लो मैं इस 2 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पे टोटल कितनी है हमारे पास में? 9 है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी मेरे पास में? अमन, भव्य और चारू की आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? देखो सभी को हमने यहाँ पे ऐड किया, 4 plus 3 plus 2, दैट मीन्स कि 9 यूनिट्स एफिशिएंसी है सभी को ऐड करने पे। बट यहाँ पे जब हमने सबको ऐड किया तो ये सारे मेरे पास में 2 times आ रहे हैं, 2 times आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेरे को इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए कि अमन, भव्य और चारों की, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में? दिस इज 9 by 2। कितनी आ गई एफिशिएंसी? 9 by 2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है कि चारों कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, चारों कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं चारों की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लूँ, चारों की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? मैं तीनों में से अमन और भव्य उन दोनों को माइनस कर दो तो कौन बच जाएगा? चारों। दैट मीन्स दिस माइनस दिस करती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास में? दिस इज 1 by 2।
9 by 2 के अंदर से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं, then I will get 1 by 2. That means efficiency of चारों is 1 by 2. That means कि number of days required कितने आ गए हमारे पास में? Total work divided by efficiency. This is 144 days. Okay, so your answer will be 144 days. कोई इसमें doubt? बिल्कुल क्लियर है सभी को. अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता इफ अमन भव्य एंड चारू वर्क टुगेदर देन हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड, देन क्या करते हैं हम? यस, कुछ नहीं था हमारे पास में, फिर तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया था. यस, अगर मैं कहूँ अमन भव्य और चारू को कितने दिन लगेंगे, तो क्या करते हैं हम? टोटल डेज, सॉरी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाई तीनों की एफिशिएंसी. तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 9/2. सीधा हम क्या कर देते, दिस इज 9/2, दैट मींस 16 डेज. ओके, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी बताओ भव्य को कितने दिन लगेंगे या फिर अमन को कितने दिन लगेंगे. तो जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज विल इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी. टोटल वर्क उसके बाद में उसी की एफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? ए इज 30% मोर एफिशियंट देन बी. ए 30% मोर एफिशियंट देन बी, देन हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब विच ए अलोन कुड डू इन 23 डेज. यस, अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर रहे थे, एफिशिएंसी खुद से फाइंड आउट कर रहे थे. वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, बट दिस इज इजी क्वेश्चन. क्या कह रहा है? एफिशिएंसी आपके पास ऑलरेडी गिवन है. एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है, देखिए ए एंड बी, ए 30% मोर एफिशिएंट देन बी. इफ बी इज 100% एफिशिएंट, इन दैट केस ए इज 130 एफिशिएंट. अगर हम रेशियो देखें तो एफिशिएंसी की रेशियो हमारे पास में क्या आ गई? यस, ये एफिशिएंसी की रेशियो होगी हमारे पास. ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं डेज गिवन होंगे. जब भी इस तरह से क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं आपके पास डेज या टाइम गिवन होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास में? डेज गिवन है कितने? 23. एंड ये 23 डेज किसके लिए है? दिस इज फॉर ए. ए के लिए गिवन है. That means कि हम टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई ए के दिन गिवन है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास है, देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे? जिसका आपके पास में डेज गिवन है, जिसकी एफिशिएंसी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द टोटल वर्क. अब टोटल वर्क मेरे पास में यहाँ पे आ गया. क्या कह रहा है कि टोटल वर्क ए की एफिशिएंसी थी, यहाँ पे क्या है? वर्किंग टूगेदर ए जॉब विच ए अलोन हैव डन इन 23 डेज. ए अकेला उसको 23 डेज के अंदर कर रहा है. देन क्वेश्चन है कि अगर वो मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? ओके, सो टोटल वर्क आ गया. देयर इज नो नीड टू सॉल्व, सिंपल लिख लो. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टूगेदर, 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 दैट मीन्स ए प्लस बी. ए प्लस बी को कितने डेज रिक्वायर्ड है? कितने हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी. अगर देखो टुगेदर है तो दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, कितना होगा? 13 + 10, दैट मींस 23. इसको हमने कैंसिल आउट किया, दिस इज 30 डेज. कितने लगे? 13 डेज. सिंपल. अगर एफिशिएंसी गिवन है तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए. अगेन देखो एक और क्वेश्चन है इसी तरह का. क्या है? मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. यस, टुगेदर पहले क्या था? ए के लिए डेज गिवन था, अभी टुगेदर के लिए डेज गिवन है. देयर स्किल डूइंग वर्क इज इन रेशियो ऑफ 3:2. मैन एंड वुमेन रेशियो आपके पास गिवन है एफिशिएंसी की, दिस इज 3:2. नाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे करेंगे? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज. अब देखो किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है? 20 डेज तो गिवन है, बट दीज 20 डेज आर फॉर टूगेदर. दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ बोथ.
सो दोनों की एफिशिएंसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 100 यूनिट। ओके, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ओके, एंड नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, हाउ मेनी डेज ए वुमेन कितना टाइम लगेगी, तो वुमेन को कितने दिन लगेंगे। यस, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, एंड एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 2, दैट मींस 50 डेज। सो योर आंसर विल बी 50 डेज। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 50 डेज, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए। यस, व्हेन ए बी सी आर डिप्लॉयड फॉर ए टास्क, एक टास्क के लिए तीनों को डिप्लॉय किया गया है, एंड ए एंड बी डू 70% ऑफ वर्क, बी एंड सी टुगेदर डू 50% ऑफ द वर्क, हु इज मोस्ट एफिशिएंट। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, कह रहे कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, दैट मींस कि काम कंप्लीट हो गया, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को खत्म किया है, तो अब यहां पे उसने क्या कहा है, ए एंड बी डू 70% ऑफ वर्क, बी एंड सी डू 50% ऑफ वर्क। जस्ट टेल मी टोटल वर्क कितना होता है, कोई भी चीज टोटल, टोटल दैट मींस टोटल इट इन सेल्फ इज 100%। ओके, दैट मींस कि टोटल जो वर्क है दैट इज 100%, एंड दिस वर्क इज डिप्लॉयड टू ए बी एंड सी, दैट मींस कि ए बी सी ने मिलके खत्म किया, दैट मींस कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। तीनों ने मिलके 100% वर्क कंप्लीट किया, दिस इज वर्क नॉट एफिशिएंसी। ओके, सो अगर मैं कहूं कि यहां से इसके अंदर से मैं ए बी को माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सी, दैट मींस 100 माइनस 70, दैट मींस 30% वर्क इज डन बाय सी। अब इसके अंदर से अगर बी सी को माइनस कर देंगे तो ए आ जाएगा, कितना आ गया, यस दिस इज 50%, एंड द रिमेनिंग टोटल इज 100। ए सी दोनों को इनमें से माइनस कर देंगे, देन बी इज इक्वल टू 20%। हु इज मोर एफिशिएंट, द पर्सन हु इज डूइंग मोर वर्क इज मोर एफिशिएंट, जिसने ज्यादा काम किया है वही ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो ज्यादा काम किसने किया है यहाँ पे, ए ने, दैट मींस ए इज मोस्ट एफिशिएंट। क्लियर, ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ समझ आया है, इट इज हेल्पफुल फॉर मी, इन दैट केस सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।